स्किन डिसीज में फंगल होना एक आम बात हो गई है, यदि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो एक बहुत बड़ा गंभीर रूप ग्रहण कर लेती है। इसी फंगल की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम ग्राइसोडी टैबलेट के बारे में बात करेंगे। ग्राइसोडी टैबलेट क्या है, इसके कंटेन, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। ग्राइसोडी एक ऐसी टैबलेट है जो फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करती है। ये फंगस को अपना सुरक्षा आवरण बनाने से रोककर उसके विकास को रोकती है। इसे कंटिन्यू यूज करने से आप फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में ग्राइसोडीटी टैबलेट है। ग्राइसोडीटी का ब्रांड नेम दिया गया, ये बताया गया है इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसकी कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है 250 mg, और ये जो कंटेंट है ये फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए इसकी MRP मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के बारे में बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है मार्च 2018 जो मेरे पास में है, और इसकी एक्सपायरी है फरवरी 2020, और इसकी MRP के बारे में बात करें तो ₹151 की 60 tablets है ये, तो ₹151 की थोड़ी सी महंगी ज़रूर है लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और ये जो ब्रांड, जो कंपनी का जो ब्रांड है डॉक्टर रेड्डी, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये एथिकल ब्रांड है और इसका आप बेझिझक इसका यूज कर सकते हैं। इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो ये ब्लिस्टर पैकिंग में है और ये एक स्टेप में 60 tablets आती हैं। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है और आप बेझिझक इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसको फंगल इन्फेक्शन में आप इसका यूज कर सकते हो, टीनिया कॉर्पोरस में इसका यूज कर सकते हो, टीनिया क्रिरोस में इसका यूज कर सकते हो, टीनिया पैडिस में इसका यूज कर सकते हो, टीनिया मैनुअम में, टीनिया कैपिटस में इसका यूज कर सकते हो, वल्वो वेजाइनल कैंडिडस में इसका आप यूज कर सकते हो, ओनिको माइकोसिस टोनल में भी इसका यूज कर सकते हो, फंगल कैंडिडाइटिस में भी इसका यूज कर सकते हो। किसी तरह की आपको खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, एचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको जो लाल लाल निशान फंगल की जो प्रॉब्लम होती है, लाल लाल निशान हो जाते हैं और इसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और रात के समय यदि आपको ईचिंग होती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको किसी तरह की दाँत की प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो आपके सर में दाद हो जाती है, जो पेच टाइप के बन जाते हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपके चेहरे पे किसी तरह की दाद की प्रॉब्लम हो रही हो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरह से किसी भी तरह की आपकी फंगल की प्रॉब्लम है उसमें आप इसका बेझिझक यूज़ कर सकते हो। चलिए इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो आपको दिन में एक बार इसका ओडी डोज होता है, दिन में एक बार खाना खाने के बाद किसी भी एक टाइम पे लेना है। यदि आप रात में ले रहे हैं तो उसका रात में यूज़ करें, और यदि आप दिन में इसका यूज़ कर रहे हैं दोपहर वगैरह में तो आप दोपहर में इसका यूज़ करें, लेकिन एक ही टाइम पे इसका यूज़ करना है। तो सादा पानी से खाना खाने के बाद एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, मुँह सूखने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आपको नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको फंगल इन्फेक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ईचिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो बेझिझक आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।